बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग मार्च की ताज़ा तरीन सिचुएशन पर कि क्या चल रहा है। और अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है, ऐसे समझ लें कि हाई अलर्ट जारी हुआ है वो सीनियर सहाफ़ी मसूद चौधरी साहब से और भी जो दीगर लोग हैं उनकी जानब से भी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च को रोकने का और ऑपरेशन के जरिए रोकने का हतमी फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या क्या अहम बातें उस हवाले से आपको आगाह करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। नाजरीन, पंजाब पुलिस को तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानब से पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद की जानब बढ़ते हुए पाकिस्तान बचाओ मार्च को रोकने के अहकाम जारी कर दिए गए। ये इंतहाई मोतबर मुसद्दका ज़राए के मुताबिक जो न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर की जा रही है। इसके लिए नाज़रीन हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है वो भी आप सुने कि दीगर जिलों से बाहरी नफरी गोजरे वाला पहुंचने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। यानी जो दीगर अजलाए पाकिस्तान के गुजरे वाले में तो नफरी कम पड़ जाएगी हुकूमत के मुताबिक, क्योंकि ये कोई एक मजमा नहीं है, ये कोई एक झुंड नहीं है, ये कोई एक ग्रोह नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की आवाम है। इस पाकिस्तान की आवाम में वो गैरतमंद लोग हैं जो पाकिस्तान के नजरिए से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ये वो लोग हैं। तो इस पर नजरी कराची से सफर शुरू करने वाले पाकिस्तान बचाओ मार्च ने इंतहाई पर अमन रहते हुए किसी फाल्त वतन इदारे का एक तिनका भी नुकसान किए बगैर अपना सफर जारी रखा हुआ है और गोजरेवाला तक किसी किस्म का कोई जो है ना कोई नुकसान वगैरह कहीं पर नहीं हुआ। लेकिन हुकूमत वक्त एंटी राइट फोर्स के इस्तेमाल की तैयारियां कर रही है। अगर आप वजह यानी हुकूमत जो है अब जो मेन पॉइंट है कि एंटी राइट फोर्स के इस्तेमाल की तैयारियां कर रही है। आप खुद सोचें कि इतनी मोहब्बत से प्यार से चलने वाला काफिला जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं और कहीं कहीं पर वो माएँ भी आ जाती हैं, आपने वो वीडियोस भी देखी थी जो अलामा साद हुसैन साहब का माथा चूमती हैं, सर पर हाथ फेरती हैं, दुआएं देती हैं और उनको आगे की तरफ रवाना करती हैं, उनके जज्बात देखें पुरअमन लोग और पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करने वाले, पाकिस्तान के ऐन की बात करने वाले उन लोगों का ये रास्ता रोकना ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। इसकी जितनी भी नाज़रीन मुज़म्मत की जाए वो कम है। दूसरा नाज़रीन ये है कि तैयारियों की अगर आप वजह इन वजह इसकी सामने आ चुके हैं, वो वजह क्या है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक वाक्य रिपोर्ट करता चलूं कि काल हुकूमती करिंदों की जानब से गुजरा वाला बाजार में जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश की गई, दुकानदारों का सामान तोड़ा गया, टीएलपी कारकुनान ने रोका, हमारे कैमरामैन ने वीडियो बनाई, वीडियो दुरुस्त वक्त पर वायरल करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों को यही बताना था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के गैरतमंद लोग हैं, जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कल जब गोजरांवाला के अंदर ये काफिला इंटर हुआ, ये लॉन्ग मार्च इंटर हुआ तो वहां पर क्या किया गया। नाज़रीन ये वहां पर ऐसी घिनौनी हरकत और घटिया तरीन हरकत की गई, वो हरकत ये थी कि वहां पर जबरदस्ती सामान तोड़े गए गोजरांवाला में, जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गई। ये किसने कराई? ये हुकूमत वक्त ने कराई, ये तहरीक लबैक पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कराई गई ताकि इसका जो सारा मलबा है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान पर डाला जा सके और फिर इन तमाम चीजों को हाईलाइट करके पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाया जा सके, पाकिस्तान के मीडिया पर उछाला जा सके और उनको बताया जा सके कि ये देखें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लोग हैं ये पुरअमन नहीं है, बल्कि ये लोग पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना चाहते, बल्कि इंतशार फैलाने वाले लोग हुकूमती लोग थे और तहरीक लबैक पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्होंने ये उच्च हथकंडे इस्तेमाल किए। इसकी जितनी भी मुज़म्मत की जाए वो कम है। इस पर नाज़रीन
आप खुद सोचें, हुकूमत वक्त एंटी राइट फोर्स के इस्तेमाल की तैयारियां करें। अगर तहरीके लबैक पाकिस्तान के साथ ये कुछ हुआ तो याद रखिए, अगर तहरीके लबैक पाकिस्तान के खिलाफ इस बार ताकत का इस्तेमाल हुआ तो ये हुकूमत भी याद रखे, ये नूनिये भी याद रखें, ये जनूनिये भी याद रखें और ये यूथिये भी याद रखें कि ये तहरीके लबैक पाकिस्तान है। राणा सनाउल्लाह साहब, ये कोई नून लीग नहीं, ये पीपल पार्टी के लोग नहीं, ये मौलाना फजलुर रहमान के लोग नहीं जो आपकी गोद में बैठकर आपको वोट भी देंगे और आपके साथ मिलकर खत्म नबूवत पर डाका भी डालेंगे। ये वो गैरतमंद लोग हैं, ये गैरतमंद पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह ये गैरतमंद पाकिस्तानी, ये गैरतमंद जिन्होंने पाकिस्तान के आइन और नजरिए का हमेशा एहतराम किया है। लेकिन हुकूमत ये जो कुछ कर रही है ये बहुत गलत कर रही है। यह हुकूमत का वो प्लान है जो मैं पहले भी वीडियो में आपको बताता आ रहा हूं कि हुकूमत चाहती है कि किसी भी तरह एक मर्तबा किसी भी तरह के तहरीके लबैक पाकिस्तान को भी यहीं पर क्रैश किया जाए। जिस तरह से हमने तहरीके इंसाफ को किया है, हम तहरीके लबैक पाकिस्तान को भी करके अपना पत्ता साफ कर लें। ये वो हुकूमत तैयारियां कर रही है लेकिन इनको ये गलत किसी ने जहन में डाला हुआ है। यार आप लोगों के सामने इन कायदीन ने, इन हिब्बेतन लोगों ने, इन पुरअमन और निहत्ते लोगों ने जिनके पाँव में जूते नहीं हैं, उन्होंने अपने मुतालबात आपके सामने रखे हैं। आप गैरतमंद बने, आपने अभी तक इनसे मुजाकरात करने के लिए कोई एक कमेटी तक तश्कील नहीं दी, कोई एक कमेटी भी तश्कील नहीं दी, लेकिन इन लोगों का रास्ता रोकने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए आपने आर्डर जारी कर दिए। ये ज्यादती है। ये जो वजीर अला पंजाब बैठे हुए हैं ये भी सुन लें कि आप ये ज्यादती कर रहे हैं। सबसे पहला रास्ता मुजाकरात के, वो आप मुजाकरात करें। क्या आपने कोई कमेटी बनाई है जो कमेटी जाए तहरीके लबैक पाकिस्तान के साथ जाकर मुजाकरात करे? आपके पास आपने कोई कमेटी बनाई है? जवाब मिलेगा कि नहीं। जब आपने कमेटी तक नहीं बनाई, जब आपने ये जुरत नहीं की, तो फिर आप किस मुंह से तहरीके लबैक पाकिस्तान को रोकना चाहते हैं? आपके पास जवाब क्या होता है? कोई ऐसा पॉइंट, कोई नुक्ता है जो आप कौम को दिखा सकें, आप कौम को समझा सकें कि यार ये वो काम है, ये तहरीके लबैक पाकिस्तान ने किया है, हम इसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ मैदान में उतरे हैं? आपके पास कोई जो है ना, कोई एक भी ढंग का पॉइंट नहीं है। ना ही आपने पूरी पाकिस्तानी मुआशियत तबाह कर दी, आपने अपनी कुर्सी की खातिर पाकिस्तानियों के अंदर इतनी नफरतें पैदा कर दी। क्या पहले पाकिस्तान के अंदर ये जो नफरतें हैं वो कम है जो अब आप कोशिश कर रहे हैं? आप जुल्म करते रहेंगे, क्या आपके जुल्म के आगे ये लोग बैठे रहेंगे? ये आपकी गलत ख्याली है। ये आप मुहिब्बे वतन लोगों के साथ टकरा रहे हैं। आप इनको जाने दें, इनकी जो मंजिल है मंजिल तक जाने दें, वहां पर जाकर इन बुजुर्गों के साथ, इस आला क्यादत के साथ, इन मुहिब्बे वतन लोगों के साथ मुजाकरात करें। आपको यही डर है कि अहमद साद हुसैन साहब ने जो गुज़श्ते रात अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि वो क्या करने जा रहे हैं नाज़रीन, वो डॉक्टर आफिया सदीकी का मुकदमा लड़ने जा रहे हैं और जो इस्लामाबाद में चाबियां पड़ी हैं उनकी रिहाई की, वो उन चाबियों को उठाएंगे और जो ताले लगे हुए हैं और वो ताले जिनके ऊपर जंग चढ़ा हुआ है वो ताले भी तोड़ेंगे, वो ताले भी खुलवाएंगे और आफिया सदीकी को पाकिस्तान में भी लाएंगे। ये उस गैरतमंद लीडर ने इस हुकूमत वक्त को क्या किया है? एक जवाब दिया, लेकिन हुकूमत बकलाट का शिकार हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो खुद को बंद गली में धकेलने की बजाय तहरीके लबैक पाकिस्तान के साथ बैठें, तहरीके लबैक पाकिस्तान के साथ मुजाकरात करें, किसी के ऊपर ताकत का इस्तेमाल ना करें। इनका पहले भी बहुत खून बहाया जा चुका है, पहले भी बहुत आप लोगों ने खून बहाया। क्या पहले कोई काम था जो जुल्म अब आप करने का सोच रहे हैं?
क्या ये किसी के बच्चे नहीं है, या ये किसी के वालदैन नहीं है, या ये किसी या ये पाकिस्तानी नहीं है। लिहाजा इस काम को रोकें, आपसे रिक्वेस्ट है इस पर अमन मार्च का रास्ता ना रोका जाए। यह थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।